Next question. If A, B, C are the side of a triangle ABC such that x square minus 2 A plus B plus C into x plus 3 lambda AB plus BC plus CA is equal to 0 has real roots, then lambda की value क्या होगी वो आपको बताना है. चार ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं. JEE में 2006 में ये क्वेश्चन आया है. तो अल्फा ए बी और सी आपके साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं, ठीक है, और रियल रूट्स की बात करिए तो रियल रूट्स का मतलब आपके पास हो गया कि डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका जीरो होगा इस इक्वेशन के लिए. सो बी स्क्वायर आप करोगे तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो यहां पर b की वैल्यू है माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा आपके प्लस 12 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना. क्या करोगे, 4 इंटू 3 ये सी, सी तो ये आ गया और ए की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और लैम्डा और ये एज इट इज यहाँ पर पूरा आप लिख दोगे, ठीक है. तो ये मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों. इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले तो कि ये मिला आपको. अब पूरी इक्वेशन को इसको इन इक्वेशन 4 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो. ठीक है ना, इक्वल टू का साइन हटा दो आप यहां से, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो होगा जब रियल रूट्स होंगे, ठीक है. 4 से आपने यहां पर डिवाइड करने हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहां आ जाएगा 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन, ठीक है ना बच्चों. ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि रियल रूट्स हैं. तो डी ग्रेटर देन जीरो होकर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को ग्रेटर देन जीरो कर लिया. अब यहां पर हम देख रहे हैं ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 3 लैम्डा, ठीक है. अब यहां से आप क्या करो, ऊपर आप फॉर्मूला ओपन कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा ये. अब यहां से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके डिवाइड में आप क्या कर दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दोगे, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है. इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस ग्रेटर देन 3 लैम्डा हो गया. दिस इज इक्वेशन 1. अब आप जानते हो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड फॉर ट्राइंगल, राइट. सो यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी आ जाएगा. तो ये ए माइनस सी क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस बी हो गया. सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन ए. इसी तरीके से b प्लस सी ग्रेटर देन a होगा तो b माइनस a ग्रेटर देन माइनस सी होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ग्रेटर देन होगा c स्क्वायर के. दिस इज इक्वेशन b. सिमिलरली आप कह सकते हो कि c प्लस a ग्रेटर देन b होगा,
तो सी माइनस बी ग्रेटर देन माइनस ए होगा, देन स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन सी। देन ए बी और सी इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। तीनों को ऐड कर दो आप, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके ये निकाल लोगे, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसको इधर डिनोमिनेटर में ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ये वाली टर्म जो है ग्रेटर देन टू आ रही है साहब, ठीक है। अब इक्वेशन वन देखो आप, दो से बड़ी आ रही है ये, इक्वेशन वन थी यहाँ पर हमारी ये वाली टर्म आपकी क्या आ रही है, दो से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू टू रखें तो टू प्लस टू ग्रेटर देन थ्री लैम्डा, यानी कि फोर इज ग्रेटर देन थ्री लैम्डा, यानी कि फोर बाय थ्री इज ग्रेटर देन लैम्डा, यानी कि आप कह सकते हो लैम्डा लेस देन फोर बाय थ्री, ये आपको मिल जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैम्डा इज लेस देन फोर बाय थ्री, ठीक है। तो आपको बच्चों सिर्फ यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि डी जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ रियल रूट्स की बात करी है, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर वन आ गई यहाँ पर, ठीक है। फिर आप जानते हो कि दो साइड का सम ट्राइंगल में तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी करा और फिर यहाँ पर सी को इस साइड भेजा, ठीक है, और बी को इस साइड भेज दिया, तो ये माइनस बी हो गया, स्क्वायर करा तो ये टर्म मिली। सेम यही प्रोसीजर बी प्लस सी ग्रेटर देन ए के लिए करा और सेम प्रोसीजर सी प्लस ए ग्रेटर देन बी के लिए करा, तीनों इक्वेशन से हमको ये रिलेशन मिला फाइनल, ठीक है। ये रिलेशन मिला और इस रिलेशन के बाद हमको यहाँ से ये वाली वैल्यू मिली, ठीक है। तो इससे आपको पता लगा ये टर्म जो है ग्रेटर देन टू है, यानी कि कम से कम वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। तो ये टू हमने यहाँ इक्वेशन नंबर टू में पुट करा, इसकी वजह अगर टू पुट करा तो टू प्लस टू लैम्डा इज ग्रेटर देन थ्री लैम्डा, फोर इज ग्रेटर देन थ्री लैम्डा, देन वी विल गेट फाइनल आंसर लैम्डा इज लेस देन फोर बाय थ्री, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।